ये वीडियो विदाउट ऑडियो माइक, पंखा चल रहा है और कमरा भी साउंड प्रूफ नहीं, मगर इस ऑडियो को हम चुटकी में ठीक कर सकते हैं। अब आप ऑडियो सुनिए, वही कंडीशन है मगर ऑडियो एकदम ठीक हो गई है। एक सेकंड की एडिटिंग ट्रिक के जरिए जिसको एडिटिंग नहीं भी आती वो भी अपनी खराब ऑडियो को अच्छा कर सकते हैं। कैसे, ये ब्लॉग इसी चीज पर है। दोस्तों अभी तक मैं बगैर ऑडियो माइक के बात कर रहा हूँ आपसे, और अब हम चलते हैं बाहर की कंडीशन में कि जब हमारे पास कोई ऑडियो नहीं होगी और बाहर का शोर भी होगा, ट्रैफिक का शोर भी होगा, तो ऑडियो कितनी हद तक बेहतर हो सकती है, चलते हैं बाहर। इस वक्त मैं ऑफिस बालकनी में हूँ जहाँ पर थोड़ी सी गूंज भी है और बगैर ऑडियो डिवाइसेस के। ये ऑडियो कैसी आपने सुनी, अब एडिट के बाद यही ऑडियो देखते हैं। इस वक्त मैं ऑफिस बालकनी में हूँ जहाँ पर थोड़ी सी गूंज भी है और बगैर ऑडियो डिवाइसेस के। दोस्तों अब हम जाते हैं सड़क पर और ट्रैफिक के शोर के अंदर बगैर ऑडियो माइक के हम बोलेंगे और फिर देखते हैं कि एडिट के बाद वो ऑडियो कितनी बेहतर हो सकती है। अब हम बाहर सड़क पर हैं और ऑडियो डिवाइसेस जो है अनप्लग्ड है और मेरा कैमरे का फासला ऑलमोस्ट 2 मीटर का है, और जहाँ पर ऑडियो बहुत खराब आपको लगी होगी मगर एडिट के बाद यही ऑडियो। अब हम बाहर सड़क पर हैं और ऑडियो डिवाइसेस जो है अनप्लग्ड है और मेरा कैमरे का फासला ऑलमोस्ट 2 मीटर का है, और जहाँ पर ऑडियो बहुत खराब आपको लगी होगी मगर एडिट के बाद यही ऑडियो सुन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने इस ऑडियो को बेहतर कैसे किया, मगर उससे पहले एक ब्रीफ इस बात के ऊपर कि ऑडियो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हम अक्सर अपनी वीडियो के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि हम अपनी वीडियो को बेहतर कर दें, मगर क्या आप जानते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर AV की जो टर्म यूज होती है यानी ऑडियो वीडियो, उसमें 100 में से वीडियो को 40 मार्क्स मिलते हैं और ऑडियो को 60 मार्क्स मिलते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि यू कैन नॉट अफोर्ड डिस्टॉर्टेड ऑडियो बट यू कैन अफोर्ड डिस्टॉर्टेड वीडियो। वीडियो अच्छी नहीं होगी तब भी देख लेंगे, अगर ऑडियो अच्छी नहीं है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ऑडियो के लिए जैसे मैं ये माइक यूज़ करता हूँ, तकरीबन मैंने एक साल पहले 70-80,000 रुपीज़ का ये बाई किया था जो अब तकरीबन 1 लाख का है, और दीगर जो छोटे कॉर्डमिक वगैरह लगा के हम यूज़ करते हैं वो भी ऑलमोस्ट 3,000 के ऊपर जाकर पड़ते हैं। अगर अपने आईफोन के साथ कनेक्ट करना है तो 6,000 में आपको कनेक्टर 3,000 में मिलेगा, 3,000 या 3,500 में जनरल मिलेगा। तो आप वो 6,000 वाला ही भी यूज़ करके आप अपनी ऑडियो को बेहतर कर सकते हैं। आपको बहुत कॉस्टली गियर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर जब आप इनिशियल पे हैं या जब आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, तो आप किसी भी इक्विपमेंट के साथ, इवन कि आपके पास आईफोन नहीं है, कोई भी फ़ोन है, आप अपने ब्लॉगिंग करें और उस ऑडियो को, आपके पास वायर नहीं भी है तब भी आपकी ऑडियो बेहतर हो सकती है, मगर अगर वायर हो तो ऑडियो बहुत बेहतर हो सकती है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो इस ऑडियो डिवाइस के ज़रिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब ऑडियो काफ़ी बेहतर आपको लग रही होगी, मगर इसके बगैर भी ऑडियो बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऑडियो बेहतर कैसे की जा सकती है, वो भी फ्यू सेकंड्स में। अगर आप प्रीमियर में एडिटिंग या किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर एडिटिंग को जानते हैं तो ऑडियो बेहतर करना सबसे मुश्किल काम है। आपको इक्विलाइजर यूज़ करने पड़ते हैं, ऑडियो डक ठीक करना है और बाकी तमाम मामला, कम से कम ऑडियो बैकग्राउंड नॉइस को ख़त्म करने के लिए अगर आपके पास 5 मिनट का व्लॉग है तो आधा पौना घंटा आपका इसी काम पे लग जाएगा, और वो भी बहुत अच्छे से नहीं होगी क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट का काम होता है ऑडियो बैकग्राउंड को जो है वो म्यूट करना या ख़त्म करना। अब हम कैसे करें, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा जो जिद्दत आ चुकी है और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम करी है। सेम हमने जो ऑडियो है वो भी AI के ऊपर ही ठीक की है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है मगर हमने एडोबी पॉडकास्ट को इस्तेमाल किया है जो कि फ्री है, आगे शायद वो आपको पैसे देकर यूज़ करना पड़े मगर फिलहाल वो फ्री है। आपको सिंपल अपनी ऑडियो वहाँ पर पोस्ट करनी है, यानी आप जब एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो की बजाय सिंपल ऑडियो MP4 में आप एक्सपोर्ट करें, उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करें और विद इन फ्यू सेकंड्स, मैक्सिमम 5-7 सेकंड के अंदर आपको वो अपनी आपकी ऑडियो बेहतर करके बैकग्राउंड जो शोर है उसको ख़त्म कर देगा और आपकी जो पीछे ऑडियो की उसकी थोड़ी इन्हेंसमेंट कर देगा और आपको बेहतरीन ऑडियो मुहैया कर देगा, और उसके बाद उस ऑडियो को अपने व्लॉग में या किसी भी वीडियो के साथ आप लगाएं और इन्जॉय करें। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ऑडियो को अपने बेहतर से बेहतर करें, अगर आपकी ऑडियो सिनेमैटिक होगी तो आपका व्लॉग या वीडियो या कोई भी चीज़ है वो देखने में अच्छी लगेगी। अब अगला व्लॉग हम करेंगे कि आप अपनी वीडियो, आपके पास कोई भी फ़ोन है, आप अपनी वीडियो को बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमने ऑडियो को बेहतर किया, हम वीडियो को भी बेहतर कर सकते हैं, इवन के अगर हमने 720 पे शूट किया है, इवन हमने 1080 पे शूट किया है तो 1080 को हम 4K में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम अगले व्लॉग में बताएंगे, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।